हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल सर्किट टैरो थ्री। गाइस एंड आ गए हम आज एक नई रीडिंग के साथ। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो टॉपिक है नेक्स्ट 48 आवर ऑफ योर पार्टनर। आपके पार्टनर के अगले 48 घंटे जानने की कोशिश करेंगे। क्या इन 48 घंटों में आपके पार्टनर आपके लिए कोई एक्शन लेंगे या नहीं, या फिर देखते हैं उनकी क्या सिचुएशन चलेंगे, क्या थाट्स चलेंगे, ये भी जान लेते हैं। तो हम अपने येस और नो डेक से जानेंगे एंजल्स के एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे। और अगर देखिए गाइस, अब यस और नो में से कुछ भी आ सकता है, वो हम उस चीज़ को लेकर आप नेगेटिव मत होना, उस चीज़ को लेकर आप पॉजिटिव ही रहना, क्योंकि मे बी कुछ ना कुछ बेटर हो आगे चल के। तो एंजल्स जो भी आपको मैसेज देंगे उस चीज़ को सोच के आप बिल्कुल भी नेगेटिव मत हो जाना, ओके। अपना पॉजिटिव वर्क, अपनी पॉजिटिव वाइब में चलते रहना, बिकॉज देखिए बॉटम में हमारे पास स्टार्टिंग में ही दर्शन आ गया है। सो प्लीज़ आप पॉजिटिव रहना, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। कार्ड्स को पहले शफल करेंगे अच्छे से, फिर हम कार्ड्स निकालेंगे, ओके। यार बड़े कार्ड्स गिर रहे हैं। चलिए अब पिक करते हैं कार्ड, ओके। चलिए एक कार्ड आ गया हमारे पास। ओके, सेवन ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, किंग ऑफ कप्स, अगेन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। तो आप कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हो सकते हैं, फिर कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस के साथ डील कर रहे हो। डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी तो आ गई है, किंग ऑफ कप्स। Ace of Wands, Five of Wands and Three of Swords in reverse. Okay. Judgment. Wow. Okay, we have Nine of Pentacles in reverse, the Hermit, Virgo, okay, the Devil, okay, take card aur lenge guys, then fir hum reading start karenge. ओके चलिए, सेवन ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव एट ऑफ कप्स। सो गाइस मैं आपको पहले साइंस बता दूं स्टार्टिंग में, देन हम रीडिंग को शुरू करेंगे, ओके। मैं आपको बता चुका हूँ थ्री ऑफ सोर्ड्स तक मैं आपको बता चुका हूँ। तो हमारे पास टॉरस भी, कैप्रिकॉर्न भी है, विर्गो भी है, कैप्रिकॉर्न भी है एंड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी है। सो साइंस तो हमारे पास ऑलमोस्ट सारे ही हैं, बट मैं पहली चीज़ तो यही बता दूँ आपको कि मैं ये एनर्जी देखकर बहुत ही डिसअपॉइंटेड हूँ आपसे, बिकॉज ये कार्ड रिवर्स में आया है। सो आप अपना सेल्फ वर्क अच्छे से नहीं कर रहे हो, ये मैं आपके लिए बोल रहा हूँ। आप लोगों से मैं डिसअपॉइंट हो गया हूँ इस टाइम, बिकॉज ये कार्ड रिवर्स में आया। तो आप प्लीज़ अपने सेल्फ वर्क को अच्छे से कीजिए। आप भले ही अभी अलोन चल रहे हो या फिर आपकी करंट सिचुएशन में आपके पर्सन आपके पास नहीं है, बट आप क्यों ऐसा फील कर रहे हो कि आप एक इंडिविजुअल नहीं हो, आपके पास सेल्फ सफिशिएंसी नहीं है, या फिर आप खुद के बल पर या फिर खुद के बेस पर स्ट्रांग नहीं हो सकते हो। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पहली चीज़ तो आपको स्ट्रांग होने की, अपनी इस इंडिविजुअलिटी को बना के रखने की, बिकॉज हर कोई एक इंडिविजुअल होता है और उसे अपनी इंडिविजुअलिटी को बरकरार रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो प्लीज़ पहले तो आप पॉजिटिव वाइब में आओ। ये कार्ड आपके लिए आया था गाइस, बट ये रिवर्स में आया, तो डेफिनेटली आप में से बहुत लोग तो नेगेटिव चल रहे हो उस टाइम पर, बहुत ज़्यादा नेगेटिव चल रहे हो। सो नेक्स्ट 48 आवर्स में अगर मैं देखूं तो डेफिनेटली आपके पर्सन के और थर्ड पार्टी के बीच में, जिस भी वो थर्ड पार्टी से डील कर रहे हैं, उनके बीच में फाइट हो सकती है और वो आपकी तरफ आ सकते हैं, बिकॉज मूव ऑन कार्ड आया यहाँ से, एट ऑफ कप्स एंड सेवन ऑफ सोर्ड्स। तो नेक्स्ट 48 आवर्स अगर मैं देख के बताऊं तो अगर थर्ड पर्सन से आपके पर्सन की लड़ाई होती है जैसे कि मैंने बोला, सो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी लाइफ में इन कर जाएगा, बट ये इन तो कर जाएगा बट ये बहुत जल्द आउट भी हो जाएगा, आप ये बात ध्यान रखिएगा। अभी भी इन एंड आउट सिचुएशन बनी रहेगी, बिकॉज ये मूव ऑन तो कर रहा है वहाँ से, ये परेशान तो हो चुका है वहाँ पर,
बट इन एंड आउट सिचुएशन बनी रहेगी गाइस, तो बहुत सोच समझ के एक्शन लेना आप तो, ठीक है। मैं आपको पहले ही गाइड कर दूँ इस चीज़ के लिए, बिकॉज देखिए यहाँ पर मुझे लड़ाई दिख रही है थर्ड पर्सन के साथ, उनकी लड़ाई होगी, अपनी फैमिली के साथ लड़ाई होगी, और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, डेफिनेटली निकलेंगे और आपकी तरफ बढ़ेंगे, बट ये इन एंड आउट सिचुएशन में ही आएंगे आपके पास, बहुत जल्द आउट हो जाएंगे सिचुएशन से। तो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर हर एक चीज़ करना बहुत ज़्यादा, ओके। अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में आता है, बिकॉज मुझे यहाँ से कनेक्शन दिख रहा है, ये आउट होंगे इस कनेक्शन में से। और अगर मैं बात करूँ इनकी, अभी भी इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं इस रिलेशनशिप को लेके, अपने करियर को लेके, ये चाहते हैं कि इनके पास सब कुछ हो, बट ये मेहनत नहीं करना चाहते, और इन नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे कोई मेहनत भी नहीं दिख रही है इनकी तरफ से। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ से भी दिख रहा है कि यस, नेक्स्ट 48 आवर्स में इन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने इल्यूजन्स को ख़त्म करने की और अपने ऊपर वर्क करने की, क्योंकि ये इल्यूजन इनके दिमाग में इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल चल रहा है, क्योंकि फैमिली की तरफ से, थर्ड पर्सन की तरफ से, आपकी तरफ से, हर जगह से ना इनको अभी पेन, सोरो, ग्रीफ मिल रहा है। तो मे बी इनकी कार्मिक साइकिल चल रही है जिस वजह से ये इतने ज़्यादा पेन में है, सोरो में है, और ये अपना कर्मा भुगत रहे हैं इस टाइम पर। सो डेफिनेटली अभी बहुत ज़्यादा इमोशनल चल रहा है, इनकी लाइफ में नई शुरुआत आएगी और ये नई शुरुआत आपकी लाइफ में भी आएगी, क्योंकि आप दोनों नई शुरुआत करोगे, मुझे यहाँ से ये दिख रहा है। बट यस, अभी वो एक राइट टाइम मुझे नहीं लग रहा है कि है, कि जिसके बेसिस पर मैं ये बोल दूँ कि यस आप दोनों का रीयूनियन या फिर आप दोनों का रिकन्सिलिएशन हो जाएगा, बिकॉज अभी तो नेक्स्ट 48 आवर्स में तो मेरे को यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि बहुत ही अलग सी एनर्जी है बहुत ज़्यादा, मतलब मैं दोनों तरफ देख पा रहा हूँ, आएगा भी पर्सन और बट ज़्यादा टाइम के लिए रहेगा भी नहीं अभी, क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पहले अपना इनर वर्क करने की, अपने इनर गाइडेंस को सुनने की, अपने इनर वर्क को करने की, अपने इनर जो एक इनर सोल होती है हमारी, जो एक सोल स्पिरिट होती है, एक सोल वॉइस होती है, वो सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिकॉज तभी गॉड जजमेंट करेंगे जब ही आप दोनों ये अटैचमेंट अटैच हो पाओगे एक दूसरे से, ओके। सो आप दोनों के बीच में अटैचमेंट इसीलिए है क्योंकि ये अपना इनर वर्क अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं और आप भी नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज ये कार्ड हमारा रिवर्स में आ गया, 9 of Pentacles। एंड डेफिनेटली गॉड जब ही जजमेंट करेंगे, जब आप अपना वर्क अच्छे से करोगे, आप अपने ऊपर पूरा फोकस रखोगे, ओके। सो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी अपना इनर वर्क करने की 48 आवर्स में, और आपके पर्सन को भी। और क्लैरिटी के लिए हम देख लेते हैं, मे बी अगर ये वर्क करते हैं आगे चल के, अगर कनेक्शन बनता है और ये पर्सन लॉयल होता है, तो डेफिनेटली क्या पता एंजल्स आपको सपोर्ट करें, एंड डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे के साथ रीयूनियन में आ जाओ। तो और क्लैरिटी के लिए देख लेते हैं आगे। मैन होल्डिंग अ कॉइन, अभी तो ये बहुत ज़्यादा अपने मनी माइंडेड गेम, अभी अपने बहुत मनी माइंडेड है ये पर्सन, अपने अपना फ़ायदा देख रहे हैं इस टाइम, ये अपने पैसों सो के लिए वर्क कर रहे हैं। और अभी इनके हाथ में, मतलब इनके हाथ में बहुत ज़्यादा पैसा तो आने वाला है क्योंकि ये मनी माइंडेड है बहुत ज़्यादा, एंड इवन ये बहुत ज़्यादा एम्बिशियस भी है अपने करियर को लेके, बट ये अभी अपनी लव लाइफ को लेके उतने ज़्यादा मतलब सीरियस नहीं दिख रहे हैं मुझको, अभी ये थोड़ा पैसों की तरफ जा रहे हैं। डोर टू स्पिरिट, डेफिनेटली इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपनी स्पिरिट से कनेक्ट होने का, अगर अपनी स्पिरिट से कनेक्ट होंगे तो डेफिनेटली इनकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। ऑल टाइड अप, सब कुछ इन आपकी लाइफ में, आपको भी और इनको भी सब कुछ बंधा हुआ फील होता है बहुत ज़्यादा, कि सब कुछ बंधा हुआ है, कुछ भी ठीक नहीं है, बट अगर आप अपनी स्पिरिट से कनेक्शन बनाते हो तो डेफिनेटली ये सारे जो भी बंधे हुए हैं ये खुल जाएंगे। एंड देखिए यहाँ पर से डिसीड आ गया, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस तो आएगा नेक्स्ट 48 आवर्स में, बट बहुत जल्द निकल जाएगा, तो डेफिनेटली आपको धोखा मिल सकता है। तो प्लीज़ आप अपने आप को प्रिपेयर रखना, क्योंकि आपको ये गाइडेंस मिल रही है यहाँ पर, अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आता है और जल्द बहुत जल्द चला जाता तो इसका मतलब यही था कि ये पर्सन सिर्फ अपने फ़ायदे से आया था आपकी लाइफ में, बट अगर ये पर्सन आपसे सच्चा प्यार करता है तो डेफिनेटली आपको धोखा नहीं देगा, क्योंकि मुझे यहाँ से ये भी वाइब गेट हो रही है कि इसने पहले आपको धोखा दे दिया है, तो आप अब दोबारा अपने आप को धोखे में मत रखना, क्योंकि ये पर्सन अब भी इनडिसीजन की सिचुएशन में ही है, इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बैलेंस की, और ये अपने पास्ट से तो अटैच्ड है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो बैलेंस की ज़रूरत है, और ये इनडिसीजन में आएगा आपके पास बहुत ज़्यादा, इसे नहीं पता कि किस तरफ जाना है, ठीक है। अब ये लड़का भी हो सकती है आपका पार्टनर लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, ही शी कोई भी हो सकता है, इवन सेम सेक्स रिलेशनशिप में भी हो सकते हो आप, सेम जेंडर रिलेशनशिप में भी हो सकते हो, तो आप देख लीजिए आप किस सिचुएशन में चल रहे हो। बट यस, ये पर्सन आएगा तो वो आपस पर थोड़ा प्रॉब्लम में डाल जाएगा आपको, तो आप अपने आप को बिल्कुल बैलेंस रखना हर एक चीज़ को। देखिए आपको इमोशनल विड्रॉवल हो सकता है उस टाइम पर, अगर ये पर्सन आपको धोखा देके निकलेगा तो आप इमोशनली बैलेंस नहीं रह पाओगे, आप परेशान हो जाओगे। विश फुलफिलमेंट, जो भी इसकी विश है ये उसको फुलफिल करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं, एंड इवन डेस्टिनी अभी इनका थोड़ा साथ दे रही है, बट अगर ये ऐसे ही वर्क करते रहे,
और अगर अपनी स्पिरिचुअलिटी को नहीं बढ़ाया, अपने अंदर बैलेंस नहीं लाया, ये डिसीट, ये धोखेबाजी करते रहे, धोखा देते रहे लोगों को, तो डेफिनेटली विश भी फुलफिल नहीं होगी एंड डेस्टिनी भी इनका साथ नहीं देगी, सब इनका साथ छोड़ देंगे, गॉड एंजल सब। तो अभी इनको अपनी एनर्जी को चेंज करने की ज़रूरत है, बिकॉज नेक्स्ट 48 आवर्स में बहुत ही नेगेटिव एनर्जी में चल रहे हैं ये, और बहुत ही अपना फ़ायदा देख रहे हैं। बट यस, ये अगर ये सब वर्क कर लेते हैं अपने ऊपर, अपने आप को एकदम मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से, इन सभी डिसीट एंड भी इन सब सिचुएशन से, ये जो स्ट्रैटेजी बना के चल रहे हैं, ये इन सब सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाल लेते हैं, तो डेफिनेटली इनकी लाइफ में इनकी डेस्टिनी भी इनका साथ देगी, इनकी विश भी फुलफिल होगी एंड ये सेलिब्रेट भी करेंगे आपके साथ। तो अभी इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, इन्हें ख़त्म करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए अपने ट्रू लव ओरेकल से और देख लेते हैं आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या सिचुएशन होने वाली है, क्या आने वाला है निकल के आपके लिए। द गार्डन, डेफिनेटली ये पर्सन इतना ज़्यादा मनी माइंडेड इसलिए है क्योंकि ये चाहता है आपके साथ जब ये रिलेशनशिप में आया, फिर कनेक्शन बनाए, तो इसके पास वो सब कुछ हो जो ये आपको दे सके। बट यस, अभी ये थोड़ा ये मतलब यहाँ पर मेरे को ये लग रहा है कि किसी भी कीमत पर बस जीतना है या फिर किसी भी कीमत पर बस पाना है, आपके पर्सन का इस टाइम ये थॉट चल रहा है अपने करियर को लेकर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, मैं इनके करियर की बात कर रहा हूँ। सो ये अपने करियर को लेके अभी बहुत ज़्यादा सीरियस है, बहुत ज़्यादा कंसर्न दिखा रहे हैं। तो डेफिनेटली ये मुझे यहाँ से अब ये वाइब गेट हुई है कि यस, ये पर्सन जो दिमाग में चल रहा है ना इस पर्सन के, वो इसीलिए चल रहा है क्योंकि ये चाहता है या चाहती है कि इनकी करियर लाइफ बेटर हो सबसे पहले, देन ये आपको कमिटमेंट दे या फिर आपको प्रपोज करें। ओके, और देख लेते हैं क्लैरिटी के लिए क्या निकल के आता है। शिवलरी, डेफिनेटली मैं समझ गया आप तो, जब इस पर्सन को सक्सेस मिल जाएगी इसके करियर में, इसके फैमिली के आगे एक एस्टैब्लिशमेंट खड़ी कर देंगे, दिखा देंगे कि यस मैं ये कर चुका हूँ, देन ये पर्सन बहुत ही शिवलरी के साथ आपके पास आएंगे ये प्रपोजल लेके। ओके, थिंक ऑन आए गाइस, क्रिएटिविटी, आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्रिएटिव करोगे एक साथ। वर्थीनेस, डेफिनेटली यहाँ से अब देखिए, वर्थीनेस का मतलब यहाँ पर क्या है, अपनी वर्थ को बिल्कुल आगे रखना और समझ के रखना, एकदम अपनी वर्थ को ना कभी भी, मतलब अपने आप को हमेशा आगे रखना और अपनी वर्थ को हमेशा समझते रहना। आप अपनी वर्थ को ना, मतलब अपने वर्थ को मत नुकसान पहुँचा देना इस नेक्स्ट 48 आवर्स में। तो जो भी सिचुएशन लेना, बहुत सोच समझ के लेना। देख लिया, हमारा अगला कार है सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपनी वर्थ को, दोनों को आगे रखना, ठीक है, देन फिर किसी और के बारे में सोचना है। आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपनी रीपेरेंटिंग करने की, बस अपने इन नेगेटिव थॉट्स की रीपेरेंटिंग कर लें वो, बाकी सब बढ़िया है, बाकी सब ठीक है। और आप भी अपनी रीपेरेंटिंग कीजिए क्योंकि आप भी बहुत ज़्यादा ना नेगेटिव चल रहे हो उस टाइम पर, मुझे आपकी भी वाइब गेट हो रही है। ट्रस्ट, दोनों को ट्रस्ट रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एंजल्स में, अपने ऊपर, अपने इस रिलेशन में। नेगेटिव वाइब से बाहर निकलिए, नो नीड टू वरी, अगर ट्रस्ट रखोगे तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और देख लेते हैं, एक सेकंड गाइस, ओके चलिए, कम्युनिकेट क्लियरली, डेफिनेटली नेक्स्ट 48 आवर में अगर कम्युनिकेशन बनती है तो बहुत ही क्लियरली कम्युनिकेट करना गाइस, एंजल्स यही इंडिकेशन दे रहे हैं। और अगर आप बिलीव रखते हो एंजल्स में अपने इस लव लाइफ में, तो डेफिनेटली आप जो चाहते हो वो पा जाओगे, सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी। ओके, बट क्लियरली कम्युनिकेट करना, बट अब दैट वी हैव रिमेन पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपने रिकवरी करते रहना टाइम टाइम पर। ओके, सो चलिए देख लेते हैं अब अपने दूसरे कार्ड से कि कब तक अगर आपको, क्या आपको वेट करना है, आपके पर्सन आपके पास जल्दी आ जाएगा। यू आर रेडी, आप रेडी हैं, ओके, पर अभी आपकी लाइफ में वेट है, आपको वेट करना ही पड़ेगा, बिकॉज इस पर्सन की जब तक स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होगी, इनकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी, और ये जब तक अपनी इस स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए एक्शन नहीं लेंगे, जब तक आपको वेट करना ही होगा। देख लीजिए, नॉट द राइट टाइम, ये राइट टाइम नहीं है, ये राइट टाइम नहीं है जब तक ये अपने लिए एक्शन नहीं लेंगे, राइट टाइम के बाद परफेक्ट टाइमिंग है। तो डेफिनेटली आपको वेट करना होगा गाइस, तो वेट कीजिए अपने पर्सन का। बट अभी नेक्स्ट 48 आवर्स में अगर आप इनसे कनेक्शन बनाते हो तो डेफिनेटली आपको धोखा मिल सकता है आगे चलते।
इसको अपने यस और नो से देख रहे हैं अब हम क्या निकल क्या आता है आपके लिए। चूज अ न्यू डायरेक्शन, आपको जरूरत है न्यू डायरेक्शन चुनने की, पहली चीज तो ये है। एंड एक कार्ड और लेते हैं हम यहाँ से। देयर इज समथिंग बेटर, जो ये सिचुएशन चल रही है इससे भी कुछ बेटर है। एंड डोंट स्टॉप, रुको मत, ओके अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए रुकना मत, हर वक्त वर्क करते रहना अपने लिए। अगर वर्क करते रहोगे तो डेफिनेटली एंजल्स आपके लिए वर्क करेंगे, गॉड आपके लिए वर्क करेंगे, यूनिवर्स आपके लिए वर्क करेंगे। एंड ये रीडिंग बहुत ही क्लैरिटी दे रही है आपको, तो अब आप अगर इसे अपने ऊपर अप्लाई करते हो, इस गाइडेंस को अपने ऊपर अप्लाई करते हो, वो आप पर है, इट्स ऑल अप टू यू गाइज। सो गाइज ये थे आपके पार्टनर के नेक्स्ट 48 आवर्स, एंड आपको किस तरीके से वर्क करना है, आपको किस तरीके से अपने लिए एक्शन लेना है वो भी बता दिया है मैंने आपको। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जिनको भी इस वीडियो की ज़रूरत हो। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, कमेंट करके ज़रूर बता देना। अभी के लिए बाय बाय।